तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्लॉगर्स भाई लोग हैं जो व्लॉग बनाता है, जिसके पास गोप्रो खरीदने का बजट नहीं है, मोबाइल से ब्लॉग बनाता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे आपका जो वीडियो है, मोबाइल का वीडियो है जो शेक करता है बहुत ज़्यादा, उस वीडियो को कैसे आप स्टेबलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, और ये है मेरा लैपटॉप, यहीं पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज ही मैंने मैं जो वीडियो बनाओ ऊल्सो सभी वीडियो हल जीवन ब्लगार आसे यूट्यूबर आसे जीवन मोबाइल ब्लग बनाय कारण भिडिओं कपि थे और मैं बहुत देखी एने और सभी भिडिओ कपा भिडिओं के अपने स्टेबलाइज कर पड़े माने स्मूथ कर पड़े। ठीक है, तो मैं देखाम लैपटॉप स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो एक जो है मैंने क्लिप यहाँ पे लिया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है, पहले से ही। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो है, तो क्लिप में आप लोग देख सकते हो ये मेरा क्लिप है जो हम लोग मेघालय गया था। तो ये पिक्चर जो एक क्लिप जो है वीडियो जो है स्टेबलाइज नहीं है, तो इसे मैं स्टेबलाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, इफ़ेक्ट्स का पैनल है यहाँ पे, तो इफ़ेक्ट्स में जाना होगा, ठीक है, और जाके वहाँ पे WARP वर्ब टाइप करना होगा। बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ पे जो है वर्ब स्टेबलाइजर एक है ऑप्शन, तो उसको लेके आपको जो है आपका जो फुटेज है वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो ये जो है प्रोसेसिंग चल रहा है अभी, तो एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेसिंग हो के ब्लू कलर जो एक लाइन आया था उसके बाद एक ब्राउन कलर का लाइन आया था, तो ये अभी स्टेबलाइज मूड पे हो गया। लेकिन दो तीन सेटिंग्स है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे नीचे जाइए लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मूथ और नो मोशन। ठीक है, आप लोग इसे स्मूथ मोशन पे रखिए, देन स्मूथ परसेंटेज 50% है उसको वहीं पे रखिए। देन यहाँ पे है पोजीशन, चार ऑप्शन है, ठीक है, चार ऑप्शंस में से जो सबस्पेस वर्प एक ऑप्शन है उसको वहीं पे रखिए, या आप पोजीशन पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं अभी सबस्पेस वर्प पे इसको फिक्स करता हूँ। तो ये हो गया और दो हो गया, और नीचे एक एडवांस लेवल का जो है स्टेबलाइजेशन का सेटिंग्स है उसको मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगा। तो यहाँ पे एडवांस है, और एक क्रॉपलेस इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 100। ठीक है, अभी ये जो है प्रॉपरली स्टेबलाइजेशन हो गया है, तो मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जो जिस पे कोई स्टेबलाइजेशन का जो इफेक्ट्स नहीं था वो है ये वीडियो, ये वीडियो है, और ये है जो मैंने अभी इफेक्ट्स लगाया था। देख सकते हो आप लोग स्टेबलाइजेशन हो गया है, ये है मेरा स्टेबलाइजेशन फुटेज, और ये है नॉन इफेक्ट्स फुटेज, ये है नॉन इफेक्ट्स फुटेज, और एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है नॉन इफेक्ट्स फुटेज, ये है नॉन इफेक्ट्स फुटेज, और ये है अभी इफेक्ट्स का फुटेज। ठीक है, और ये है इफेक्ट्स का फुटेज, बार बार प्ले करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये है इफेक्ट्स का फुटेज। मतलब एक खतरनाक स्टेबलाइजेशन कह सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइजेशन होता है। अगर आपका कोई गोप्रो नहीं है आपका, या फिर आपका कोई मोबाइल का गिम्बल नहीं है, या फिर DSLR का गिम्बल नहीं है, आप ये जो है प्लगइन्स लगा के आपका वीडियो स्टेबलाइजेशन कर सकते हो। इसे डाउनलोड कीजिए और अपने वीडियो में लगाइए, बहुत ही ज़्यादा कूल
वीडियो होगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ कमेंट में, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ऐसा वीडियो हर रोज मिलेगा और ब्लॉग भी मिलेगा बहुत सारा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।